Hi everyone, welcome to JMWJ Maths Aula. In this video you will get 3 super most sample pattern problems for your forthcoming JE advanced exams. A 3 questions equivalent to 6 questions. Clear? So new innovative scientific constructive and conceptual questions. This type of questions generally asked in JE advanced exams. In this video, you will get 3 super most sample pattern problems for your forthcoming JE advanced exams. इसी टाइप के क्वेश्चंस JE एडवांस एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज़ है एंड हम लोग जो फॉलो करेंगे सो दैट इज़ 40% प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20% मेथड. ए मेथड को दिमाग में रखते हुए हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. Now, so this is these 3 questions here. Clear? If the solution set of this is AB union CD, where ABCD are integers, then find the values of this. इसमें ये modulus property को hold करता है. ये modulus property जब hold करोगे, ठीक है? So modulus property क्या है? Now suppose this is mod x plus mod y equal to जब ये conditions होता है, so you can draw a conclusion that so that is x y is greater than equal to 0 है. So that means क्या हो रहा है? देखो इसको उल्टा कर दो. Modulus of x and modulus of minus x both are same है. जब उल्टा कर दो so you will get a relation x square minus 1 and x square minus 4 is less than equal to 0. ठीक है, 4 minus x square is greater than equal to 0. उसको minus से multiply कर दिया. So this is what 1 is x square. So this is 4 है. सब का square root ले लो. So this is mod x is less than equal to 2 है. So this is mod x is less than equal to 2. So that is what. So this and so this is mod x is greater than equal to 1, x is greater than equal to 1, x is less than equal to minus 1. So generally इसका value क्या हो रहा है? देखो यहीं से common values जो है minus 1 से, ठीक है? So this is minus 2 से minus 1 union 1 से 2 है. So that means क्या हो रहा है? देखो यहीं पे इसका जो ABCD था, A is minus 2, B is minus 1, C is 1, D is 2. So that means whenever you will find out the values of, so this is, इसका जो values होगा, किसका value? Now A plus B plus C plus D, obviously you can say the values of this is 0. Now, we will discuss about this. Let f x equal to a सारे जो box bracket है, so that is its greatest integer functions है. एक बार sin x का graph को देख लो. So this is sin x का graph 0 से pi by 4, so like this. ऐसा sin x का graph है. a pi by 2 है. So that means क्या a यहीं पे, suppose you consider, so this is pi by 4 है. So this is 0 से pi by 4 में इसका value क्या होगा? 0 से pi by 4 में इसका value 0 है. एक बार cos x का ग्राफ का आप देखो. cos x का ग्राफ सो लाइक दिस, ऐसा 0 से pi by 4. सो दिस इज 0 से pi by 4. सो सपोज यू कंसीडर दिस इज आल्सो pi by 4 है. देखो ये 1 से छोटा है, सो दैट मींस इसका जो वैल्यू है, इसका भी वैल्यू 0 है. सो दैट मींस a जब 0 हो गया, cos x a भी तो, ठीक है, a 0 है तो greatest integer सब cos x, ठीक है, सो दैट इज 0 है. क्लियर? अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ साइन एक्स, सो दैट इज 0 है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ साइन एक्स, सो दैट इज इक्वल टू 0 है. सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट, तो इसका वैल्यू क्या होगा? सो दैट इज 0 है, बस नथिंग एल्स. नाउ ये जो क्वेश्चन है फैंटास्टिक क्वेश्चन है. इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है. इफ द सॉल्यूशन सेट, सो दिस इज ए बी है एंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्लियर इज सी डी है एंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज दिस, देन यू विल फाइंड आउट. सो दिस इज पी प्लस क्यू बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है. ये जो गिवन है, देखो इसका क्या मतलब है? इसका जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सो दिस इज व्हाट, ठीक है, इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा, सो व्हाट विल राइट, ठीक है, ये तुम्हें क्या देगा? x दे देगा. ये भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x, सो दैट इज इक्वल टू 3. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, ऐसा करके लिखोगे. सो दैट इज व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x, सो दिस, सो दैट मींस क्या, x का वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगा? सो दिस इज व्हाट, ये x है, x का वैल्यू 4 से 5 का बीच में होगा. ठीक है, ये देखो यहीं पे, सो दैट मींस क्या, a का वैल्यू 4 है एंड b का वैल्यू 5 है.
ए मिल गया। सो दिस इज ए एक्चुअली ओपन इंटरवल होगा। अभी इसका जो वैल्यू है ये क्या होगा, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 और नीचे क्या होगा, ये भी तो 3x हो जाएगा। सो दिस इज लेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स माइनस 12 इज 1/3 है, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट, सो दिस इज 2 को भी आप बाहर कर सकते हो, सो दिस इज व्हाट 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट इज 4x एंड सो दिस इज 4 इंटू 2 8, सो दिस इज 24, सो दिस इज माइनस 12 है, ठीक है। तो इसको इधर ले लो, सो इट विल गेट सो 3x, सो दैट इज 9 ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 36, लेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स इज माइनस 4 है, सो दैट मीन्स माइनस 4 का मतलब क्या है, माइनस 4 लेटेस्ट इंटीजर्स का जो वैल्यू है माइनस 4 है, सो दैट मीन्स माइनस 3। सो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू माइनस 4 का मतलब क्या है, सो दिस इज व्हाट माइनस 4, दिस इज x, दिस इज माइनस 3 है, सो दैट मीन्स क्या, c का वैल्यू माइनस 4, d का वैल्यू माइनस 3 है। नाउ अभी इसका डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, देखो सो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है, सो स्क्वायर रूट फंक्शंस क्या होगा, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये क्या होगा, 6 माइनस लेस देन 0 है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या होगा, सो दिस इज 6 माइनस x इज ग्रेटर देन 0 है, सो x ठीक है इज ग्रेटर देन 6 है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इस ए जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा, सो दैट इज 4 से 6 है, इन पे ये ठीक नहीं है, इसको ऐसा करके लिखो, सो दिस इज पी से क्यू, ऐसा होना चाहिए। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, देखो अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज पी दिस इज क्यू, सो दिस इज 10 है, ठीक है। और ये सबको ऐड कर दो, चार चार कैंसिल, 5 माइनस 3, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज इक्वल टू 5 है, इसका जो आंसर है, सो दैट इज इक्वल टू 5 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू क्लियर, इसी टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस एग्जाम में पूछे जाने के पॉसिबिलिटीज है, सो दिस इज माय रैंक बूस्टर सीरीज 2 है फ्रॉम द चैप्टर्स रियल फंक्शंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स, एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल JMW J Maxwell.